कच्चे आलू से बनी बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी रेसिपी, डोसे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही बढ़िया बनता है। पहले मैंने ये तवे पर घी लगा लिया था अच्छे से, फिर उस पर ये पेस्ट पतला पतला डाल दिया। जब ये पेस्ट ऊपर से बिल्कुल सूख जाएगा, अच्छे से पक जाएगा, फिर हम इसके ऊपर घी लगा देंगे। और फिर पकने के बाद ही आपने इसको इसकी साइड चेंज करनी है, नहीं तो ये टूट जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया बनता है, बहुत ही क्रिस्पी लगता है। और इसके साथ हम चटनी भी बनाएंगे। ये देखो चटनी भी बहुत बढ़िया बनी हुई है। आइए इसे कैसे बनाना है शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये दो आलू ले ली है और दो हरी मिर्च, इसको हम छील लेंगे अच्छे से। हम इनको अच्छे से छील कर और इसको अच्छे से धो लेंगे। ये मैंने अच्छे से धो लिए थे, फिर अब हम इसको काट लेंगे। पहले भी साफ पानी में धो लिए थे। अब हम इस आलू को एक मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसमें अब ये दो हरी कटी मिर्च डाल देंगे। आप ये स्किप भी कर सकते हो हरी मिर्च, और थोड़ा सा टेस्ट अनुसार नमक डाल देंगे। फिर इसको हम ग्राइंड करेंगे। ये हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो गया। अब हम इसमें आधा कप सूजी डालूंगी और इसको भी ग्राइंड करेंगे। ये पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और इसमें मैं थोड़ा पानी डालकर एक कप इसको अच्छे से हिला लूंगी और वो भी पानी इसमें डाल दूंगी। कम से कम मैं इसमें 2.5 कप पानी डाल दूंगी। पेस्ट जैसे इतना पतला होना चाहिए। अब मैं इसमें 1/2 कप चावल का आटा डाल रही हूँ। ये बहुत ही बढ़िया बनता है, बहुत ही क्रिस्पी बनता है। और मैं इसमें कोई इनो वगैरह कुछ भी नहीं डालूँगी, ऐसे ही हम बनाएंगे इसको। अब ये पेस्ट हमारा तैयार हो गया। अब मैं इसमें प्याज डालूँगी और थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया, इसमें डंडल मत हो धनिए में। फिर हम एक मिर्च डाल दूंगी इसमें कटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा और नमक डाल देंगे टेस्ट अनुसार। अब इसको अच्छे से बीट करेंगे और इसको थोड़ा सा रेस्ट दे देंगे। इतने हम चटनी की तैयारी करते हैं। ये मैंने 2 टमाटर ले लिए, इसको बारीक काट लेंगे। उधर मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म करना रख दिया है, कढ़ाई में इसमें ऑयल गर्म करना रख दिया है। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें जीरा और लाल मिर्च और थोड़े से तेल डाल देंगे। आप इसमें लहसुन भी डाल सकते हो, मैं आज लहसुन नहीं डाल रही इसमें, वो लहसुन वाली भी बहुत टेस्टी बनती है। अब इसमें मैं कटे हुए टमाटर डाल दूंगी। थोड़ा सा फ्राई करते हैं। अब इसमें टेस्ट अनुसार थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। अब इसको मैं ढक दूंगी, 2 मिनट के लिए पकाएंगे इसको। अब इधर तवा गर्म हो गया, अब इस पर घी लगा दिए। अब आपने ऐसे सारा पेस्ट डाल देना है। जब ये ऊपर से बिल्कुल सूख जाएगा तब आपने इसके ऊपर घी लगाना है। अच्छे से पक जाए नीचे से, फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है, ऐसे बदलना है इसको, नहीं तो टूट जाएगा। ये देखो इतना बढ़िया बन गया है। इसी तरह मैं सारे डोसे बना लूँगी।
उधर हम इतने में वो हमारा बन के तैयार हो गया चटनी का पेस्ट। इसको हम मैं मिक्सी में डाल लूँगी, थोड़ा सा ठंडा हो गया था। अब इसको मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो मिक्सी में ग्राइंड कर दूँगी। ये देखो ऐसे बनकर तैयार हो गई है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हो, पर मैं इसमें थोड़ा सा तड़का लगाऊंगी राई का। थोड़ी सी राई डाल दी 1 चम्मच, 2 लाल मिर्च डाल दी। अब इसको इस तड़के को मैं इसमें चटनी में डाल दूंगी। बहुत ही बढ़िया बनती है चटनी, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है ये नाश्ता। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो शेयर करना, लाइक करना। थैंक्स।